दोस्तों, हमारे देश के मात्र किसी एक जिले या किसी एक प्रदेश में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत में कई स्थानों पर आज भी ऐसी कई प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की संरचनाएं, धरोहरें और पवित्र मंदिर हैं, जो न सिर्फ अति प्राचीन और न सिर्फ स्थानीय स्तर पर, बल्कि देश के इतिहास में समय के साथ साथ उनका अपना महत्व भी है। आज भले ही ऐसे कुछ या कई स्थान विवादों का कारण भी रहे हो, लेकिन ऐसी कई प्राचीनतम इमारतें आज भी ना तो प्रसिद्ध हो पाई हैं और ना ही उनका कोई विशेष ध्यान ही रखा जा रहा है। जबकि कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिनका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन वह फिर भी प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। ऐसी ही एक प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की संरचना के विषय में आज हम बात करने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित देवी दुर्गा के अष्टभुजा धाम सिद्धपीठ मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। इस मंदिर का भी दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि इसमें ऐतिहासिक दौर की जो मूर्तियां स्थापित थी, वह अष्ट धातु से बनी प्राचीन मूर्ति करीब 17 वर्ष पहले चोरी हो चुकी है। इसलिए अब उस स्थान पर स्थानीय लोगों के सामूहिक सहयोग से एक नई मूर्ति का निर्माण करवा कर यहाँ स्थापित करवा दिया गया है। और क्योंकि यह प्राचीन काल से ही देवी दुर्गा की 8 हाथों वाली मूर्तियों की पूजा होती आ रही है, इसलिए इस मंदिर को अष्टभुजा देवी मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। इससे पहले यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि यह एक खंडित मूर्तियों वाला मंदिर है। बावजूद इसके यहाँ आज भी पूजा पाठ होती आ रही है और इसी कारण यह स्थानीय लोगों में और स्थानीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध मंदिर है और संभवतः हिंदू धर्म के लिए यह सबसे अनोखा ही कहा जा सकता है। यह अष्टभुजा धाम मंदिर लखनऊ से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर प्रतापगढ़ के गोंडे गांव में स्थित है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण आज से करीब 900 वर्ष पहले हुआ था। यह सच है कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई भी मूर्ति मामूली सी भी खंडित हो जाती है तो उसकी पूजा पाठ करना एकदम वर्जित है, लेकिन इसके एकदम विपरीत इस मंदिर में बिना सिर वाली मूर्तियों को संरक्षित भी रखा गया है और इनकी पूजा पाठ भी करीब करीब 300 वर्षों से लगातार होती आ रही है। और इस मंदिर में मात्र एक या दो मूर्तियां नहीं, बल्कि और भी कई मूर्तियां हैं जो खंडित हैं, जिनकी पूजा पाठ होती आ रही है। मंदिर की देखभाल करने वाले पुजारी के अलावा स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रशासनिक उपेक्षा के चलते इस मंदिर की हालत बेहद खराब हो चुकी है, लेकिन फिलहाल स्थानीय लोगों के सहयोग से ही इसे अब तक बचाया जा सका है, क्योंकि इसके जीर्णोद्धार के कार्य में स्थानीय लोग और आसपास के ग्रामीण समय समय पर मदद करते आ रहे हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए पुरातत्व विभाग और प्रशासनिक मदद की बहुत जरूरत महसूस की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में अभी तक पुरातात्विक विभाग की ओर से कोई विशेष योगदान या महत्व इस मंदिर को नहीं दिया गया है। पुरातात्विक विभाग और इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, यानी यह इमारत आज से करीब 900 वर्षों से भी अधिक पुरानी हो चुकी है। इसकी दीवारों पर अंकित नक्काशियां और विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखने लायक है। इसके प्रवेश द्वार पर बनी कलाकृतियां मध्य प्रदेश के खजुराहो में बने मंदिर से काफी हद तक मिलती जुलती है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित गोंडे गांव का यह देवी दुर्गा का अष्टभुजा धाम मंदिर कितना प्राचीन है और सर्वप्रथम इसकी स्थापना कब हुई होगी, इस विषय में स्थानीय लोग मानते हैं कि संभवतः इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में की गई थी, जबकि फिलहाल यहां जो मंदिर संरचना बनी हुई है वह भी करीब करीब 900 साल पुरानी है। मंदिर की दीवारों में की गई नक्काशियां सिंधु घाटी सभ्यता में मिली पत्थर की मूर्तियों और नक्काशियों से मिलती है। गजेटियर से प्राप्त कुछ जानकारियों के अनुसार सोमवंशीय क्षत्रिय घराने के राजा के द्वारा 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर का एक सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इसके गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर प्राचीन काल का एक ऐसा शिलालेख लगा हुआ है जिस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जिसको अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। यह शिलालेख किस भाषा और किस शैली में है और यहाँ कब से है या फिर यह यहाँ कैसे आया, इस बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं। कहा जाता है कि कई पुरातत्वविद और इतिहासकार भी इस भाषा को समझने में विफल हो चुके हैं, फिर भी कुछ लोग सिर्फ अंदाजा लगाकर ही यह बताने का प्रयास करते हैं कि
यह ब्राह्मी लिपि हो सकती है, मगर इसमें क्या लिखा है ये अभी तक कोई नहीं जान सका। मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी दीवारों पर की गई नक्काशियां सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पत्थर की मूर्तियों और नक्काशियों से हूबहू मिलती जुलती है। सन 2007 में दिल्ली से आए कुछ पुरातत्वविदों ने ही इस मंदिर संरचना का निर्माण काल 11वीं शताब्दी का बताया था। इसके अलावा इस मंदिर की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि यह चार दीवारी के घिरे एक खुले प्रांगण के मध्य में बना हुआ है। पुरातत्वविद मानते हैं कि इस प्रकार के मंदिर सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित जिस गांव में या जिस क्षेत्र में यह मंदिर है, उस गांव के 2 दर्जन से अधिक प्रशासनिक अधिकारी देश में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इन सभी का मानना है कि यह सब इसी अष्टभुजा धाम सिद्धपीठ मंदिर के आशीर्वाद से हुआ है। तभी तो इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मन की मांगी मुरादें पूरी हो जाती हैं। जो श्रद्धालु इस अष्टभुजा धाम मंदिर के महत्व को जानते हैं या सुनते हैं, वे दूर दूर से यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं, और जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वे दोबारा आते हैं और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इस मंदिर की खंडित मूर्तियों से जुड़े महत्व और उनके रहस्य और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान सन 1699 में इस संपूर्ण क्षेत्र के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, जबकि उससे कुछ ही दिनों पहले इसे बचाने के लिए मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों ने मिलकर मंदिर के मुख्य द्वार का आकार मस्जिद के प्रवेश द्वार के आकार में बनवा दिया था, जिससे कि मुगल सेना को यह भ्रम हो जाए कि यह तो एक मस्जिद है और इसे दूर से ही मस्जिद समझकर यहां से चले जाए और यह मंदिर टूटने से बच जाए। इसके कुछ दिनों बाद हुआ भी ठीक उसी तरह से। मुगल सेना इसके सामने से लगभग निकल ही चुकी थी, लेकिन किसी एक सैनिक की नजर मंदिर में टंगी घंटी पर पड़ गई। इसके बाद तो वह सेना मंदिर के अंदर घुस गई और जाते जाते उन्होंने यहाँ स्थापित सभी मूर्तियों के सिर तोड़ दिए। तब से लेकर आज तक इस मंदिर की उन सभी मूर्तियों को यहाँ वैसे ही हाल में संभाल कर रखा हुआ है, और स्थानीय लोग आज भी उन खंडित मूर्तियों की पूजा पाठ करते आ रहे हैं। वर्तमान में यह गांव देवी दुर्गा के इस अष्टभुजा धाम मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आंवला उत्पादन के लिए न सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। अष्टभुजा धाम मंदिर एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है, लेकिन ऐसे लगता है कि अब धीरे धीरे यह गुमनामी के अंधेरे में विलुप्त होता जा रहा है। अगर आप भी इस मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो इस मंदिर तक पहुंचना एकदम आसान है, क्योंकि यह मंदिर लखनऊ से लगभग 175 किलोमीटर पूर्व की ओर जिला प्रतापगढ़ शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में इलाहाबाद फैजाबाद रोड पर चिलबिला चौराहे से होते हुए गोड़े ग्राम के लिए जाना होता है, जहाँ यह मंदिर बना हुआ है। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।